चाइनीज मार्केट का असर आज भी भारतीय बाजारों पर देखने को मिलता है। दिवाली पर जहां एक तरफ चाइना की लाइटें लोग लेना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक उसी तरह होली पर भी लोग चाइना की पिचकारी खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भारतीय दुकानदार और व्यापारी भुगत रहे हैं। चाइनीज आइटम का असर इस कदर भारतीय लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है कि भारत में लोगों के अपने खुद के कारखाने बंद हो गए हैं। जी हां, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि चाइना में कोरोना वायरस के बावजूद भी लोग चाइनीज आइटम खरीदने से परहेज नहीं कर रहे हैं। होली के त्योहार पर लोगों के पिचकारी बनाने के कारखाने बंद हो गए हैं। कोरोना वायरस के चलते कुछ लोग चाइनीज आइटम का बहिष्कार भी करना चाह रहे हैं, तो वो भी मुमकिन नहीं है क्योंकि भारतीय व्यापारियों और कारखाने मालिकों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो पिचकारी बना सकें। कब से आप ये पिचकारी बनाने का काम कर रहे हैं लोहे की? ये तो करीब हमारे 10-15 साल हो गए बनाते हुए पिचकारी। अच्छा, इसकी क्या रेट आते हैं, कितने रुपए में आप इसकी लागत होती है और कितने रुपए में आप बनाते हैं? चाइनीज पिचकारियों ने काम कम किया है तो उसके बारे में बताइए, हाथ की कारीगरी और चाइनीज कारीगरी में क्या अंतर है? बहुत जमीन आसमान का अंतर रहेगा। ये मजबूत है पिचकारी, वो तो पिचकारी ये एक बार के इस्तेमाल करने के बाद बेकार हो जाती है। ये 5-5, 6-6 साल तक पिचकारी चलती है। पिचकारी इसका कोई ख़राब नहीं होता, खाली बाजार ख़राब होता है, फिर नया बाजार डाल दो, फिर नई हो जाती है। ये प्लास्टिक की बाजी हो, वो एक बार गई तो बेकार हो जाती, फिर उसका कोई महत्व नहीं रहता, बेकार हो जाती है वो। 12 साल से आप काम कर रहे हो, 15 साल से आप पिचकारी बनाने का काम कर रहे हो, चाइनीज पिचकारियों ने आपके व्यापार पर कितना प्रभाव डाला? इसको तो काम ही बर्बाद कर दिया सब चाइना में। तो चाइना का जब से माल आया है, जब से हमारा कारोबार ही बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया काम। करीब बरेली के अंदर 15 कारखाने थे, सब बंद हो गए टोटली, टू जेड एक भी कारखाना नहीं है इस टाइम, सारे बंद पड़ गए कारखाना। अच्छा, आप कितनी पिचकारी इस होली बेच सकते हैं, बेचोगे या क्या? अब तो इस टाइम तो कोई डिमांड ही नहीं है माल की इसकी, क्योंकि डिमांड होती है तो दुकानदार मंगाता माल, तो माल बनता। लेकिन जो चाइना भी कोरोना वाला वहाँ चल लिया है, उसकी वजह से दुकानदारों ने कुछ कहा माल, लेकिन इस टाइम ही नहीं बनाने का, तो बना ही नहीं पाऊंगा इस टाइम। वो अभी 5-6 दिन रह गए हैं होली का, 8 दिन, तो बन नहीं पाएगा माल, क्योंकि ये तो 2-2 महीने पहले तैयार होता है माल, तब जाकर ही बन पाता है ये माल। कितनी पिचकारियां बना लेते थे? करीब 1500 से 2000 तक पिचकारी बना दिया करते थे। ये सुनने के बाद तो लोगों से यही उम्मीद लगाई जा सकती है कि भले ही मार्केट में इंडियन पिचकारी ना हो, लेकिन फिर भी लोग अपने बच्चों को चाइनीज पिचकारी और नकली रंग लेने से मना करें। न्यूज़ डेस्क।